हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो रियल नंबर्स के बारे में पिछले जो हम लोग लेक्चर में पढ़े थे उसी का हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। और इसे ध्यान से आप अगर वीडियो को देखेंगे तो सभी नंबर्स के बारे में आप आसानी से हंसते खेलते समझ जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स का जो आता है वो है नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि वैसे संख्याएं जो हम लोग डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कैलकुलेशंस जोड़ने घटाने गुना भाग ये सब नॉर्मली करते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। आइए हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, जो कि अगर पूछ दिया जाए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। देखिए, पहला है नेचुरल नंबर्स, यानी कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स अगर शुरू करते हैं हम लोग, बच्चों को क्या बोला जाता है कि चलो गिन करके बताओ, काउंट करके बताओ, तो शुरू करता है वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके हंड्रेड तक चला जाता है। यानी कि काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है, वन से शुरू होता है। तो वन से जो काउंटिंग नंबर शुरू हो रहा है उसी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स आप बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में वन टू थ्री फोर ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत तक जाए, यानी कि इसको खत्म ही नहीं होने वाला है। तो इसको आप जहां तक काउंटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन हुआ कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, नथिंग एल्स। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग सेकंड देखते हैं, होल नंबर्स, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, होल मतलब पूरा होता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या की बात अगर यहाँ पे करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे होल नंबर्स में क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स अलग नहीं है, काउंटिंग नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में ही शुरू होता है। और इससे पहले जब आर्यभट्ट जो साहब थे हमारे महान भारत के मैथमेटिशियन, इन्होंने जीरो का खोज किया था, और जब जीरो का खोज हुआ तो उसी समय से होल नंबर्स भी गिनती में आने लगा। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से होता है, जीरो वन टू थ्री कहाँ तक जाए, इन्फाइनाइट तक। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, उस सब के सब होल नंबर्स हो सकते हैं। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उस सब के सब क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। ये आप याद रखेंगे कि जैसे जीरो आ गया तो जीरो आपका नेचुरल नंबर्स तो नहीं है ना, लेकिन होल नंबर्स वन से ही शुरू होता है, मतलब जीरो से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है। तो वन से सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आपका होल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बात। चलिए अगला है ऑड नंबर्स। क्या है ऑड नंबर्स? तो ऑड नंबर्स, ऑड मतलब इसको बोला जाता है रूढ़ संख्या, शायद बोला जाता है विषम संख्या, सॉरी इसको बोला जाता है विषम संख्या है, ठीक है, यानी कि सम नहीं है, पेयर में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। अब इसका डेफिनेशन कैसे याद करें, डेफिनेशन मैंने ऐसा कुछ डेफिनेशन लिखा है जो आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि दोज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, यानी कि वैसे नंबर्स जो दो से पूरी तरह से नहीं कटता है, पूरी तरह से भाग देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो उस तरह के जो नंबर्स होंगे ना बच्चे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। जैसे आप देखो वन थ्री फाइव सेवन, इसके अलावा भी आप कमेंट में लिख सकते हो क्या हो सकता है, जैसे आपका नाइन हो सकता है, जैसे आपका हो सकता है थर्टीन इलेवन थर्टीन ब्लाबला, बहुत सारे हो सकते हैं ना, टेंशन लेने वाली बात रही। तो समझ में आ गया होगा ऑड नंबर्स, ऑड मतलब विषम संख्या, जो पेयर में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, उसको बोलेंगे ऑड नंबर्स। अंडरस्टूड? अगला है इवन नंबर्स। इवन मतलब जो सम संख्या है, जो पेयर में है, जोड़ा में है, कपल्स में है, तो उन सभी को हम लोग बोला जाता है इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या है। अब इसका डेफिनेशन भी सस इसके ही जैसा है, यानी कि वैसे नंबर्स डैट कैन बी डिविजिबल बाय, या तो डैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, जो दो से पूरी पूरी संख्या से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, बिना कुछ शेष बचाए, बिना कुछ रिमाइंडर बचाए, उस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको बोला जाता है इवन नंबर्स। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें ना हो सकता है। चलिए इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हो, दो है, चार है, छः है, मतलब पेयर कैसे लगाएंगे, वन वन का पेयर लग सकता है, ये दो दो का पेयर हो सकता है, ये होगा तीन तीन का पेयर,
मतलब इसी तरह से, तो पेयर में है तो जो संख्या का पेयर बन सकता है जो दो से डिविजिबल हो जाएगा, दो से डिवाइड इसको करेंगे तो पूरी पूरी संख्या से कट जाएगा तो रिमाइंडर जीरो बच जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको इवन नंबर बोला जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आया है प्राइम नंबर। प्राइम को रूढ़ कहते हैं। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या है? दो नंबर्स बीच है ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि वैसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स हैं। पहला तो है वन, यानी कि देखो वन एक ऐसा नंबर है वो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, यानी कि एवरी नंबर्स, एवरी रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन। तो वन तो सब में रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे वन आ जाता है और वो नंबर अपने आप, इट सेल्फ नंबर मतलब अपने आप। जैसे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे टू की बात कर लेते हैं तो टू में वन से डिवाइड हो सकता है और ये और किससे होगा? सिर्फ टू से होगा, इसके अलावा कोई और से नहीं होगा। उसके बाद देखिए थ्री है, तो थ्री क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन से होगा और थ्री से होगा। इलेवन है, वन से होगा, इलेवन से होगा। इसके अलावा और भी थर्टीन हो जाएगा आपका, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। ये सारे जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप जब आगे कैलकुलेशंस मैथ्स में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रियल नंबर्स। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे के सारे नंबर्स क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि ये सच में समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस समझ में आ रहा है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।